आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड एंटीजिंग बोटॉक्स क्रीम। जी हाँ गाइस, ये बोटॉक्स क्रीम महंगी महंगी क्रीम जो आप लोग खरीदते हो रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, झुर्रियों के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, वो सारी क्रीम को किनारे रखकर इस क्रीम को अगर आप यूज करोगे तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा जो आप महंगी वाली क्रीम खरीदते हो। ये बोटॉक्स क्रीम क्या काम करेगी ये भी मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 30 की एज क्रॉस कर चुकी हैं तो आपको अपनी स्किन की देखभाल शुरू कर देना चाहिए। गाइस, आप इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखती है तो आपकी स्किन सैग होने लगती है, ढीली पड़ने लगती है, लूज हो जाती है और चेहरे पे दिखने लगते हैं एजिंग के साइन जो कि होते हैं रिंकल्स, फाइन लाइंस, माउथ सैगिंग और यहाँ पे लटकती हुई झुर्रियाँ, ये सब आपको नजर आने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, अपनी स्किन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो जो हम एंटी एजिंग क्रीम आज बनाने वाले हैं गाइज, होममेड है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको हम इतने अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जो महंगी वाली बोटॉक्स क्रीम होती है वही रिजल्ट आपको देगी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि बोटॉक्स क्रीम हमें किस तरह से बनानी है। तो इस बोटॉक्स क्रीम को बनाने के लिए गाइस बहुत ही मैजिकल, बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हमारा जो इस बोटॉक्स क्रीम का बेस है, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस फ्लावर। जी हाँ, ये गुड़हल के फूल जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही नर्म होते हैं, इनके अंदर भरपूर मात्रा में बोटॉक्स पाया जाता है गाइस, एक नेचुरल बोटॉक्स जो कि आपकी स्किन को फिल करता है, झुर्रियों को दूर करता है, रिंकल्स को दूर करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है। ये आपके चेहरे पे बहुत प्यारा सा निखार लेकर आता है और आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर जाकर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है, स्किन से साइंस ऑफ एजिंग को खत्म करता है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है गाइस, बहुत सारे लोग इसे गुड़हल बोलते हैं, बहुत से लोग इसको हिबिस्कस बोलते हैं, इसे जवा कुसुम या फिर बोटॉक्स प्लांट नाम से भी कई जगहों पर जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर बोटॉक्स पाया जाता है, इसलिए इसे बोटॉक्स प्लांट भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल है गाइस, बट इसके अंदर जो खूबियां हैं हमारी स्किन के लिए वो बेमिसाल है। ये आपके चेहरे को तरोताज़ा करता है, आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है, साइंस ऑफ एजिंग को मिटाता है। तो इन्हीं फ्लावर से हम बनाने वाले हैं अपनी बोटॉक्स क्रीम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से 7 फूल आपको ले लेने हैं हिबिस्कस के यानी गुड़हल के, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट पीछे जो डंडी रहती है इसको आप अलग कर दें और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इन फूलों को वॉश कर लेना है ताकि धूल मिट्टी जो जमी हुई अगर गंदगी है तो वो निकल जाए। अब आपको लेना है मिक्सर का छोटा सा जार और उस जार में इन फ्लावर्स को आपको डाल देना है। अब सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे गाइस वो हमारी बोटॉक्स क्रीम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव, और भी ज़्यादा असरदार बनाएगा। यहाँ पे हमें लेना है रोज वाटर। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता दूँ आपको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हम यहाँ रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं डाबर गुलाबी रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट होता है। ठीक है, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, तो कितना रोज़ वाटर आपको लेना है, लगभग 5 से 6 छोटे चम्मच आपको इसमें डालना है रोज वाटर। अब इन गुड़हल के फूलों को गाइस हम गुलाब जल के साथ पीस लेंगे और पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे हिबिस्कस फ्लावर थे उनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसकी वजह है इसके अंदर मौजूद आयरन। ठीक है, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस ऐसी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं गाइस, जो कि हमारी स्किन को रिज्यूनेट करने के लिए बेहद असरदार तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये पिसा हुआ जो गुड़हल है रोज वाटर के साथ हमें एक बाउल में निकाल लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाइस फ्रेश एलोवेरा जेल जो कि लीफ वाला होता है, आप वो भी ले सकती हैं, मार्केट वाला भी ले सकती हैं। कितना आपको ऐड करना है, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल की। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे गाइस वो है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, जो कि भरपूर होता है एंटीऑक्सीडेंट से, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से, जो कि आपके चेहरे से झुर्रियों को हटाता है, स्किन को फर्म करता है, टाइट करता है, चेहरे के ऊपर बहुत प्यारा सा ग्लो लेकर आता है, स्किन की डलनेस को खत्म करके स्किन को चमकदार बनाता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल की। आपको लेने हैं विटामिन ई के 3 कैप्सूल। विटामिन ई के इस्तेमाल से हमारे चेहरे के काले धब्बे खत्म होते हैं,
हैं, झुर्रियाँ खत्म होती हैं, रिंकल्स खत्म होती हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, फॉर्म भी करता है और स्किन को रिजुविनेट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो 3 विटामिन ई के कैप्सूल आपको लेकर इनका जो ऑयल है वो इसी के अंदर तोड़कर डाल देना है गाइस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर लें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे, कि आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती हैं, चेहरे से दाग धब्बों को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये, ठीक है। ऑरेंज के अंदर भरपूर विटामिन सी पाया जाता है, हम सब जानते हैं, बट एसेंशियल ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आपको एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, चंद कतरे आप किसी की चीज के अंदर मिक्स करके ही इसे इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स हमने डाल लिया है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। अब इन सारी चीजों को आप स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगी, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल किया है हमने फ्रेश एलोवेरा लीव्स का गाइस। तो मिक्स करने में आपको थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, 1 से 2 मिनट का। जिस तरह से गाइस अलसी के अंदर जेल पाया जाता है, एलोवेरा जेल के अंदर जेल पाया जाता है जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो उसी तरह से हाइबिस्कस फ्लावर के अंदर जो जेल पाया जाता है वो भी थोड़ा सा चिपचिपा होता है। लेकिन गाइस जब हम उसे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो इंस्टेंटली हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन बोटॉक्स क्रीम हमारी बनकर तैयार है। अब आपके पास कोई सा भी ग्लास कंटेनर है, कोई सा भी प्लास्टिक का कंटेनर है, इस क्रीम को आप स्टोर करके रख लें। फ्रिज में आपको स्टोर करना है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं और कुदरती चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है गाइस जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये नेचुरल चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हमें इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ गाइस। ये बेमिसाल बोटॉक्स क्रीम जो हमारी बनकर तैयार है, जब आप इसे अप्लाई करोगी तो थोड़े से महीन पार्टिकल्स आपको हाइबिस्कस फ्लावर के अपनी स्किन के ऊपर लगे हुए नज़र आएंगे, बट नो प्रॉब्लम, वो हमारी स्किन को बेहतर करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, हाइड्रेट करते हैं और स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस को भी खत्म करते हैं। तो ये क्रीम आपको किस तरह से लगानी है, इस क्रीम को आप थोड़ा सा डैब डैब करते हुए अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। ये क्रीम गाइस आपके डे बाय डे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती चली जाएगी। हल्का सा आप जब इसको लगा ले तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको हल्का सा अपनी स्किन के ऊपर मसाज करते हुए इसे अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। अगर आईज एरिया पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो वहाँ पे लगा के हल्की सी मसाज करें। नेक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, नेक पे भी ये क्रीम आप ज़रूर अप्लाई करें गाइस। ये क्रीम आप दिन भर में 3 से 4 बार भी अप्लाई कर सकती हैं, 2 बार तो आपको ज़रूर ज़रूर अप्लाई करना है। तो इस क्रीम को बनाइए और देखिए इसके रिजल्ट क्या बेमिसाल आपको मिलते हैं गाइस। जल्दी से ट्राई कीजिए और रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। ये था आज का मेरा ये वीडियो, ये होममेड क्रीम आप भी बनाइए घर पर, इसके रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग है। आप जो महंगी वाली क्रीम खरीदती हैं, एंटी एजिंग क्रीम खरीदती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा असरदार ये क्रीम है और 10 गुना बेहतर आपको रिजल्ट देगी। आप भी यूज कीजिए इस क्रीम को, जब आप लगाओगी तो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्रीम कितना मैजिकल काम कर रही है आपकी स्किन के ऊपर। आई होप कि ये होममेड बोटॉक्स क्रीम आपको जरूर पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है या फिर ये क्रीम आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपको, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं। स्पेशली नेचुरल रेमेडीज और DIYs मैं अपने चैनल पर अपनी फैमिली के लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।